दूसरी जानब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई ने इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि आयतुल्लाह खामेनाई ने सुप्रीम कौंसिल के इजलास में हमले की हिदायत की है। उनका कहना था कि इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला तहरान का फ़र्ज है। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया। ईरानी मंदूब ने मुमकिन रद्दअमल से अक़वामे मुत्तहिदा को पेशगी आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि आलमी कानून के तहत ईरान को फैसला कुन दिफा का हक हासिल है। हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर निशाना बनाया गया, कत्ल किया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल का जवाब सही वक्त और सही जगह पर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ उन्हें तहरान में अटैक करके शहीद कर दिया गया था, और जिसके बाद नेतन्याहू की जानिब से कहा गया कि हम हर उस शख्स को निशाना बनाएंगे जो इसराइल पर हमला करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।